प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। चुनाव नतीजे के बाद दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की छवि नष्ट हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है। राहुल ने कहा बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार ठिकाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी को रायबरेली के नतीजे का जिक्र करते हुए कहा कि सीटों के नंबर ऐसे हैं कि वे बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि सहयोगी की दूसरी ओर मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और वहां कई ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसे लेकर कोई और जानकारी नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा यह विचारधारा है कि आप नफरत फैलाएंगे, गुस्सा फैलाएंगे और उनका आपको फायदा मिलेगा। भारत के लोगों ने इस चुनाव में इस विचारधारा को नकार दिया। उन्होंने कहा यही वजह है कि इस बार सत्ताधारी गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम आया है वह काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक सब कुछ मैंने किया, मेरे दिल में देशभक्ति थी, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं।